हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का टारगेट एग्जाम में। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 12। ठीक है, इससे पहले हम क्या है 11 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं जो कि आपकी शिक्षक भर्ती एवं खंड शिक्षा अधिकारी और RO AR O के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और UPSC SSC के लिए भी, साथ में UPTET के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड CTET के लिए। सो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो काफ़ी टफ है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड। ओके, सो फ्रेंड, अगर आप खबरें पे सुनते हैं तो आप अपने खबरें पे जाके स्टडी टारगेट ऑल सर्च करके आप वहाँ से भी ऑडियो सुन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। हम खबरें पे भी वीडियो अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, आप ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में कौन है। ठीक है, तो सारे टॉप क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी करते चलिएगा फ्रेंड। वीडियो को पूरा वॉच करिए, साथ ही अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, अगर तैयारी करनी है किसी भी चीज़ की तो अभी से जुड़ जाइए। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपके शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी महासागर सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जलवायु परिवर्तन का मेन कारण है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन वही है जो UPSC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं खंड शिक्षा अधिकारी RO AR O में पूछे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी आपके प्रदूषण एवं ओजोन परत का क्षरण और ग्रीन हाउस गैस से जलवायु परिवर्तन मेन कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, यानी ये सभी ऑप्शन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। सारे टॉप क्वेश्चन है, आप नोट करते चलिएगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। चलिए बताइए फ्रेंड, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लाइकेन। लाइकेन एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में रोग होता है वो कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने, ध्यान देना फ्रेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं खंड शिक्षा अधिकारी और RO AR O में पूछे जाएंगे। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है। ठीक है, मैरास्मस, यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है, ध्यान देना, नोट करते जरूर चलिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। चार ऑप्शन है, फटाफट ध्यान दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी बैक्टीरिया द्वारा, यानी सूर्य प्रकाश के जो अदृश्य भाग है उससे बैक्टीरिया द्वारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक कौन सा सही सुमेलित है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इकोलॉजी, एजिटॉन्सले, ये सुमेलित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, नोट करते चलिए। खाना पीना भूल जाना, ये UPSC एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। तब यहाँ पे बताना है आपको राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, खैराती अस्पताल, दारुल सफा मतलब एक खैराती अस्पताल, सफा मतलब शिफा पहुंचाना। ठीक है, तो खैराती अस्पताल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, ठीक है, इल्तुतमिश इज द राइट ऑप्शन, यानी टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नई शब्द लगा तो ध्यान देना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दास्ताकांत मैलकम ये सुमेलित नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? चलिए बताइएगा फ्रेंड फटाफट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद से राइट ऑप्शन। अगर आपका सही हो रहा, कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन आपको बताना होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? ध्यान दीजिए और देखते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, विलियम्स हॉकिंस इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ आसफ अली यानी अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? चार ऑप्शन है निगाहों के सामने आपके। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? डेट दी हुई है फ्रेंड। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन, ठीक है, 1861 में, ध्यान दीजिएगा 1861 में बॉम्बे मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जाती है? तो ये सारे आर्टिकल दिए हुए यानी अनुच्छेद दिए हुए हैं, किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जा सकती है? तो ये है क्वेश्चन आपका। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, ठीक है, 169 आर्टिकल के जरिए विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की जा सकती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है 169, आर्टिकल 169। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नई शब्द लगा आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, 48 यानी आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का पृथककरण, ये सुमेलित नहीं है। 48 किससे है? आपके पर्यावरण से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ठीक है, यानी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? चार ऑप्शन आपके सामने है, नोट करते चलिएगा, बताइए जरूर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए फटाफट, अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई करना है तो। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, तिलक। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 18 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 18 सितंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगर आपको लगता ऑप्शन है तो बिल्कुल सही, यानी कर्नाटक राज्य क्या है कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है, फिलीपींस में। ध्यान दीजिएगा इंटरनेशनल राइस जो है वो फिलीपींस में स्थित है, ठीक है, अगर इंडिया का है तो वो कहाँ पे अभी जल्दी वाराणसी में बनाया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल की कली से किस मसाले को तैयार किया जाता है? ये क्वेश्चन है, किस फूल की कली से मसाले को तैयार किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लौंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है क्यों? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, निकल की वजह से स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है क्योंकि निकल पाए जाते जिससे हमें दुष्प्रभाव यानी हमारे बॉडी पे गलत इफेक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटी कागुलेंट है। टॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा फ्रेंड, फटाफट बताइए जरूर आप कहां से हैं अभी बताइएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिपेरिन इज द राइट ऑप्शन। ओके, मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध यानी एंटी कागुलेंट है, ठीक है, हिपेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की एक शाखा एग्रोनॉमी डैश डैश संबंधित है, किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी फसल उत्पादन नियम से एग्रोनॉमी संबंधित है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खाना पीना भूल जाओ लेकिन ये क्वेश्चन मत भूलना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्री जल से सामान नमक किस तरह प्राप्त करते हैं? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी हम वाष्पीकरण के जरिए समुद्री जल से सामान नमक प्राप्त करते हैं। कैसे? वाष्पीकरण के जरिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वॉशिंग सोडा क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग होता है, किस लिए होता है, काफी मशहूर है फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग को तो मालूम होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, कीटनाशी के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड मेहनत करनी होगी अभी से, अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा क्वालिफाई करना है, अखंड शिक्षा अधिकारी या फिर आरओ या फिर यूपी पीसीएस। ओके सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते चलिएगा और भी बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ओके सो ये रही वीडियो, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय।